हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की सारी वीडियो में हम सबसे पहले तो ये जानने वाले हैं बाबा से कि अगर कोई भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें बाबा से कुछ जानकारी मिलेगी, तो वो जानकारी हम बाबा से लेने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। सबसे पहले भगवान बाल कृष्ण की प्रार्थना करें। बरहा पीड़ा विरामम मृगमद तिलकम कुंडला क्रांत गंडाम कंजाक्षम कंबुकंठाम विस्मित सुभग मुखाम स्वाधरेण स्तवेणम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वसनाम भूषितम वैजयंत्या वंदे वृंदावनिष्ठम युवति शतव्रतम ब्रह्म गोपाल भेषम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी जो प्रश्न किया हमारे माधव ने, तो उसका प्रश्न बड़ा उत्तम है। यदा कदा कहीं भी सभी के घरों में कभी न कभी कोई विग्रह है, ताम्र का है, चांदी का है, सोने का है, मार्बल का है, ये कभी न कभी कोई ऐसा हो जाता है खंडित छोटा मोटा, तो उसमें आदमी विचारणीय प्रश्न करने लगते हैं कि करें तो करें क्या। तो शास्त्रों में इसका वर्णन आया है, अतीताब्दः सतः मूर्ति या पूज्या स्यान् महत्तमैः खंडिता स्फुटिता परचया अन्यथा दुखदायका। ये रूपमंडन शास्त्र में वर्णन आया है कि 100 वर्ष से अधिक प्राचीन मूर्ति यदि खंडित हो जाए तो या चटक जाए तब भी पूजा के योग्य होती है, उसको घर में पूजन करना चाहिए। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने भी अपने एक पुस्तक में वर्णन दिया है कि अगर विग्रह कुछ पुराना है और कोई अंग उंगली है अथवा पैर की उंगली है, हाथ की उंगली है, अगर खंडित हो जाए तो विसर्जन योग्य नहीं होती। जैसे कि घर का बड़ा सदस्य है और उसकी उंगली टूट जाए तो क्या हम उसको विसर्जन कर देंगे? नहीं करेंगे। इसलिए उसी घर के बड़े सदस्य की भांति भी उस परमात्मा के प्रति भाव रखते हुए हम उस विग्रह को विसर्जन नहीं करेंगे। अगर कोई छोटा पैर का हाथ का उंगली खंडित हो जाए तो यदि शरीर का मुख्य अंग खंडित हो जाए और 100 वर्ष से कम की अवधि का है, चटक भी जाए तो उस प्रतिमा का पूजन करने से दुखद प्रद होता है, अतः उसका विसर्जन करना चाहिए। पहले तो हम दूसरा विग्रह लाएं और विग्रह ला करके अपने घर पे रखें, उसकी मूलतः प्रतिष्ठा करवाएं यथाशक्ति। प्रतिष्ठा के बाद वो जो पुराना विग्रह है उससे उसको उसमें सम्मिलित करें, उसका भी पूजन करें, उसे 1 या 2 रात्रि उस खंडित विग्रह को नवीन विग्रह के पास रखें ताकि वो सारी पुराना विग्रह इतने साल का सारी जिम्मेदारी उस विग्रह को दे करके फिर उसका दूसरे दिन विसर्जन करें। ऐसा करने से कोई दोष नहीं है। ज़्यादा अधिक खंडित विग्रह अगर हो गया तो उसका विसर्जन करना चाहिए, परंतु अगर 100 वर्ष से अधिक का विग्रह है तो उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। उसे अपने घर पे ही रख करके भक्ति भाव से पूजन करें, यही शास्त्र का मत है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।